हेलो बच्चों, आज हम अध्याय शीतोष्ण घास स्थल में जीवन के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घास स्थल के परिचय पे और पेरी अर्थात उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थल पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम घास स्थल के परिचय से। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, जिन स्थानों पे पेड़ मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं, और इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप जीवन में घास की अधिकता होती है तो उसे घास स्थल कहते हैं। बच्चों, घास स्थल के विकास में जलवायु एवं मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन दोनों प्रकार के घास स्थल पे एक-एक करके चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे पेरी से। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं हम स्थिति एवं विस्तार से। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को ही पेरी कहते हैं। बच्चों, यह घास स्थल उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा पूर्व में ग्रेट लेक के मध्य फैला हुआ है। बच्चों, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग भी सम्मिलित है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे ये बता दूं कि प्रमुख शीतोष्ण घास स्थल कहाँ पाया जाता है और किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको पेरी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार यूरेशिया में स्टेपी, न्यूजीलैंड में कैंटवरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, हंगरी में पुश्तेज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिणी अमेरिका में पॉम्पास के नाम पे जाना जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हुए हम स्थिति और विस्तार पे और चर्चा करेंगे। बच्चों, ये जो पेरी है यह समतल, मंद, ढलान एवं पहाड़ियों वाला प्रदेश होता है और अधिकांश भागों में पेरी वृक्ष रहित होते हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हुए अब हम यहाँ की जलवायु पे चर्चा करेंगे। बच्चों, पेरी की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क है और इसका मुख्य कारण यह है कि ये महासागरों से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित है। जब हम इसके विस्तार की बात करें तो पेरी का अक्षांशीय विस्तार 20 डिग्री से भी अधिक है और इस कारण इसके दक्षिण भाग का तापमान अधिक एवं उत्तरी भाग का तापमान जो है वो कम होता है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का औसत तापमान 20 डिग्री होता है तथा शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान -20 डिग्री होता है। वहीं शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हुए इसकी जलवायु को और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जहां वार्षिक वर्षा अनिश्चित, अनियमित तथा अल्प मात्रा में होती है। बच्चों, कम वर्षा और अधिक तापमान के कारण
यहाँ घास के विकास के लिए अनुकूल जलवायु होती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी गिरिपाद पर शीत ऋतु में चिनुक नामक गर्म हवाएं चलती हैं, जो तापमान में वृद्धि करती हैं। बच्चों, इन हवाओं के चलन से बर्फ जो है वो पिघल जाती है, जिसकी वजह से इन हवाओं को हिमभक्षिणी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हैं और अब हम यहाँ के वनस्पति एवं वन्य जीवन पे चर्चा करेंगे। बच्चों, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसीलिए खाद्यान्न फसल में यहाँ मुख्य रूप से गेहूं तथा मक्का उपजाए जाते हैं। बच्चों, गेहूं तथा मक्का के अलावा यहाँ पर आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा अल्फा भी उगाई जाती है। बच्चों, पेरी जो है सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं। वर्षा की न्यूनता के कारण इन प्रदेश में वनों के स्थान पे घास उगती है। घास की ऊंचाई एवं उसकी सघनता वर्षा की मात्रा पे निर्भर करती है। बच्चों, जब हम बात करें घास के मैदान की, तो पूर्वी भाग में जो है अधिक वर्षा के कारण सघन एवं ऊंची घास के मैदान पाए जाते हैं, वहीं पश्चिमी भागों में कम वर्षा के कारण छोटे एवं विरल घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है। बच्चों, नदी घाटी में जहाँ पे वर्षा का जल उपलब्ध है, वहाँ वृक्ष के रूप में आपके विल्लो, आल्डर तथा पॉपुलर जो हैं पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हैं और इसके वनस्पति एवं वन्य जीव पे चर्चा को जारी रखते हुए अब हम यहाँ देखते हैं कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य जीव कौन कौन से हैं। बच्चों, पेरी प्रदेश में ऊन एवं मांस प्रदान करने वाली भेड़ पाई जाती है। बच्चों, इस प्रदेश में अंगोरा बकरी पाई जाती है। अगर हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की 90% अंगोरा बकरी यहीं पे पाई जाती है। बच्चों, इस प्रदेश में दूध एवं मांस के लिए गाय का भी पालन किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हैं। बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं इसके वनस्पति एवं वन्य जीव पे। बच्चों, गायों को पालने के लिए विशाल मवेशी फार्म होते हैं, जिन्हें रेंज कहा जाता है, और इनके देखभाल करने वालों को काउबॉय कहते हैं। बच्चों, इस प्रदेश में पाए जाने वाले अन्य जीव निम्नलिखित हैं। पहला है बाइसन, फिर है पेरी कुत्ता, फिर गोफर और इसके बाद है आपका कायोट। बच्चों, यहाँ पे खरगोश भी पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा पेरी पे जारी रखते हैं। अब हम इसके निवासी पे चर्चा करेंगे। बच्चों, इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा यहीं पे स्थित है। बच्चों, जहां पर कृषि की वैज्ञानिक विधियां और आधुनिक कृषि यंत्र जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एवं कंबाइनर के उपयोग से यहां पे खेती की जाती है और इन्हीं सब के उपयोग के कारण उत्तरी अमेरिका जो है सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश बना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा जारी रखते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं पेरी के निवासियों की। बच्चों, जहां पे
गेहूं की अत्यधिक उत्पादन होती है, जिसके कारण पेरी को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। बच्चों, दूध उत्पादन यहाँ का एक अन्य प्रमुख उद्योगों में से है। बच्चों, उन्नत नस्ल की गाय और उपयुक्त जलवायु जो है जहाँ के डेयरी उद्योग को बढ़ावा देती है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहरों की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन गया। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने खास स्थल के परिचय पे चर्चा की। इसके अलावा हमने पेरी अर्थात उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल पे भी चर्चा की, जिसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम वेल्ड अर्थात दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल पे चर्चा करेंगे। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।